बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम शहला जावेद है और आज हम हफ्ता 14 की वीडियो देख रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हम दोहराई में सीखे हुए अल्फाज की पढ़ाई और लिखाई करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि पढ़ाई बखूबी कर सकें, अल्फाज पढ़, बोल और समझ कर खुश खत लिख सकें। सबसे पहले हम हरूफ तहज्जी को उनकी अस्वाद के साथ पढ़ेंगे, जैसे अलिफ अ, बे ब, प त, त स, ज च, ह ख, दाल त, द ज, र ड ज, ये ज, सीन स, शीन श, स्वाद स, ज त, ज अ, गैन ग, फ ख, काफ क, गाफ ग, ल म, न व ह, हमजा छोटी है ई, बड़ी है ए। शाबाश। हरूफ तहज्जी अस्वाद के साथ दोहराने के बाद हम वर्कशीट नंबर एक की तरफ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर एक दोहराई के मुतालिक है। इसमें हम अल्फाज पढ़ेंगे और खुश खत भी लिखेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे और तारीख लिखेंगे। शाबाश। और मैं ये जानती हूँ कि आपको ये आता है लिखना, और अब आपको अच्छी तरह वर्कशीट पे अपना नाम, अपना सेक्शन और तारीख लिखना आता है। तो अल्फाज पढ़ें और खुश खत लिखें, जैसे कि पहला लफ्ज है साग, साग, शाख, शाख, साबन, बन, साबन, जद, जिद, ई, जिद्दी। तो प्यारे बच्चों, हम इसको ज़िद्दी इसलिए कहते हैं कि इसके नीचे अलामत है ज़ेर की, ज़िद्दी। इसी तरह अगला लफ्ज़ है त ओ तो, त ए ते, तो ते। अगला लफ्ज़ है ज़र ज़र, वाव, ऊ, इसके ऊपर पेश की अलामत है, इस वजह से इसकी आवाज़ ऊ है, ज़रूफ, ज़रूफ। अगला लफ्ज़ है गाल, ग अ ग ल, गाल, ल अ ला ल, लाल। शाबाश। प्यारे बच्चों, आप ये अल्फाज पढ़ेंगे और इस वर्कशीट पर खुश खत लिखेंगे, और खुश खत लिखने के साथ साथ आप पढ़ाई भी करेंगे। कायदा नंबर 26 की, सफ़ा नंबर 26 की आप पढ़ाई भी करेंगे। शाबाश। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर एक के बाद वर्कशीट नंबर दो दोहराएंगे। इस वर्कशीट में आपने अल्फाज के तोड़ करने हैं, अल्फाज के तोड़ करने हैं। एक मिसाल मैंने दी है, जैसे आप देखें, सोना, सीन, वाओ, नून, अलिफ, ना, सोना, इन हरूफ के साथ सोना लफ्ज़ बनता है। तो आगे कौन सा लफ्ज़ है, शाख, श अ शाख, शाख, तो आप इसका तोड़ लिखेंगे। इसी तरह सूरत, फर्श, गाड़ी और चाय, आप इन सब के तोड़ लिखेंगे। शाबाश। उसी तरह आप कायदा सफ़ा नंबर 35 की पढ़ाई भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने आज का सबक बखूबी दोहराया। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।